हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। मैं आज का ये वीडियो क्लास सेवेंथ ज्योग्राफी चैप्टर फोर एनसीईआरटी बुक से, जिस चैप्टर का नाम है वायु, को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। उससे पहले हम लोग दो लाइन प्यारी सी बातें पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, स्ट्रगल से कभी डरना नहीं। यानी देखिए, स्ट्रगल का मतलब हुआ संघर्ष, और संघर्ष से हमें कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। देख लीजिए कितना प्यारी सी बातें लिखी है कि स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है, ये भी एक स्टोरी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है वायु। चैप्टर फोर वायु। आई स्टूडेंट, हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी मैं पढ़ाने ज्योग्राफी चलता हूं तो आप लोग एक कॉपी और एक पेन जरूर लेकर बैठें, ताकि मैं जो भी बताऊं उसको आप लोग नोट कर सकें। दूसरा स्टूडेंट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला तो अगर कॉपी और पेन लिए हैं तो यहीं पे पॉइंट बनता है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। स्टूडेंट देख लो, वायुमंडल किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा स्टूडेंट, मैं आप लोग को बता दूं कि ये एनसीईआरटी का बुक इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी पढ़ता हूं, और एनसीईआरटी हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी मदद करती है। जैसे जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हम लोग देते हैं, अगर हम लोग 6 to 12 तक एनसीईआरटी को कम्प्लीट कर लें तो फिर ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं रहेगा जिसको कि हम लोग क्रैक ना कर पाए। सबसे पहले देखिए, मेरा भी अभी तक कम्प्लीट नहीं है, लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पूरा कर लूँ। दूसरा इसलिए बोला हूँ कि पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए, चाहे आप किसी भी क्लास के हों। ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्लास सेवन्थ के ही बच्चे सिर्फ देखें, आप किसी भी क्लास के हों, किसी चीज़ की भी तैयारी करते हो तो एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपकी बेसिक मजबूत हो जाए। आगे स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर हम सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यानी देखो स्टूडेंट, यहाँ पे है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी वायुमंडल पर ही जीवित रहने के लिए निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। स्टूडेंट यहाँ पे देख लो, ये सांस लेने के लिए हमें वायु भी प्रदान करता है, और जो हमारे सूर्य से खराब यानी हानिकारक किरणें आती हैं उनसे भी हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंडे से जम सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये कहा गया है कि यदि यही वायुमंडल के परतें न हो तो हम दिन में सूर्य की इतना अधिक गर्मी से तप्त होकर जल जाएंगे और रात में इतना ठंडा हो जाएंगे कि हम लोग जम भी सकते हैं। अतः वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। स्टूडेंट इस चीज़ को याद रखना है, क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के तापमान में रहने योग्य बनाने वाला कौन सा मंडल है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं वायुमंडल। स्टूडेंट यहाँ पे आइए देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट नोट करने लायक है कि ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। स्टूडेंट यहाँ भी इसको भी नोट करने लायक बात है कि ग्लोबल वार्मिंग किसको कहते हैं। अब स्टूडेंट इसको अभी तक मेरे पास डिजिटल पेन नहीं है, शायद आज मेरे पास डिजिटल पेन अवेलेबल हो जाए तो मैं कल से इस पर लाइनअप करके पढ़ाऊँगा। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। आइए वायुमंडल का संगठन देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होता है। हाँ स्टूडेंट, ये तो सभी लोग जानते होंगे। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। देख लीजिए, ये हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। चित्र 4.1 में वृत्तरेखा दिया गया है।
जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। देख लो स्टूडेंट, चित्र 4.1 में वायु के संघटन आर्गन है 0.93%, अन्य सभी 0.04%, नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.033%। चलिए आगे पढ़ते हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़े में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधे को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधा इसका प्रयोग कर सके। ऑक्सीजन ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। स्टूडेंट, यहाँ पे कहने का है कि अगर हम लोग वृक्ष को काटते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं, तो हमारा जो ऑक्सीजन का बैलेंसिंग है वो बिगड़ जाएगा, या फिर गैस का बैलेंसिंग जो है वो बिगड़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। यानी स्टूडेंट, यहाँ पे ये हमें बताया गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हम लोग जो छोड़ते हैं गैस को, वो पेड़ पौधे के खाना बनाने के इतना ही होता है, परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आ जाओ, क्या आप जानते हैं जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता है। देख लो स्टूडेंट, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। यानी जब वायु गर्म होगा तो फैलेगी और जब वायु ठंडा होगा तो क्या होगा, ऊपर उठती है। स्टूडेंट यहाँ पे चित्र देख लो, टॉप साइंटिस्ट ऑफर वे आउट ऑफ अ ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे आप लोगों को शायद लग रहा है, पढ़े और मनन करें, क्या भूमंडलीय तापन आज के विश्व में एक गंभीर समस्या है, ये आप लोगों को बताना है स्टूडेंट। और दूसरा चीज, मेरा नंबर है 9801163593। इस पर अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आप लोग को फ्री में PDF अवेलेबल करवा दूंगा। आइए आगे पढ़ते हैं। वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है। ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह मंडल एवं बहिर्मंडल। स्टूडेंट, हमने अभी कहा था कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे, अब बताइए अगर नहीं लिए होंगे तो इसको कैसे लिखेंगे वायुमंडलों का विभाजन। ये पहला हमारा हो जाता है क्षोभ मंडल। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला हमारा क्षोभ मंडल। यहाँ पे चित्र 4.2 दिखाया गया है, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आकर चित्र 4.2 है वायुमंडल के परतें। पहला हमारा हो गया क्षोभ मंडल और क्षोभ सीमा है। समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच वाले को क्षोभ सीमा कहते हैं। ओजोन हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, हवाई जहाज हो गया, देख लीजिए। ऊंचाई किलोमीटर में दिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। उसके बाद देखिए मध्यमंडल और समताप मंडल के बीच में समताप सीमा होती है। मध्यमंडल और बाह मंडल के बीच में मध्य सीमा होती है। और देखिए मध्य सीमा से बहिर्मंडल के बीच में बाह वायुमंडल होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इस मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, जैसे कि हो गया वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षण, इसी परत के अंदर होता है। चलिए स्टूडेंट आगे पढ़ते हैं हम लोग। समताप मंडल में क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है।
यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। स्टूडेंट देखिए, इसमें से तीन पॉइंट ही हम लोगों को लिखना है। देखिए, क्षोभ मंडल के ऊपर वाला परत है या 50 किलोमीटर तक है, और अगला है कि ये मतलब कह सकते हैं कि हवाई जहाज के लिए इसको आदर्श माना जाता है। बस यही तीन पॉइंट है, लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू आगे करते हैं। चलो स्टूडेंट आगे कंटिन्यू करते हैं। मध्यमंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। अब देख लो यहाँ पे कि इसमें क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले लिखना है कि मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है, तीसरी लेयर है। यह लगभग 80 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैली है। और तीसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में जब भी आते हैं तो जल जाते हैं। आगे आ जाओ बाह मंडल है। बाह मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है या 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। अगला जो स्टूडेंट बहिर्मंडल पढ़ लेते हैं। तो वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। यहीं से यानी कि जो हीलियम और हाइड्रोजन है ये यहीं से क्या करती हैं, अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। चलिए स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं। आओ कुछ करके सीखें मैं स्थानीय समाचार पत्र से 10 दिन के मौसम रिपोर्ट लिखें एवं मौसम में बदलाव का अवलोकन करें। क्या आप जानते में हैं? देख लो स्टूडेंट, इस चीज़ को नोट कर लेना। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के केवल 2000000000 भाग का केवल एक भाग 2 अरबवां ही प्राप्त करती है। यानी जितना भी टोटल होगा उसका सिर्फ 2 अरब ही हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी सूर्य का प्रकाश को ग्रहण करती है। मौसम में हम जलवायु में आते हैं। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुँह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो कि इसके नियंत्रण बटन से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। देख लो स्टूडेंट, एक पॉइंट आप लोग को मिल गया है। अब कहेंगे सर कितना पॉइंट लिखवाते हैं, तो जब पॉइंट नहीं लिखोगे तो फिर अगला एग्जाम तुम लोग कैसे दोगे। चलिए आगे करते हैं। मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए हैं कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? यहाँ पे आ जाओ स्टूडेंट, 4.3 में मौसम की जानकारी के लिए यंत्र कर लेते हैं। देखो जितना भी दिया स्टूडेंट, इस सभी को नोट कर लेना। अब कहोगे कि इसका काम क्या है, तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि तापी का क्या होता है, तो इसको तभी तो बताओगे जब लिखे रहोगे। हम भी लिख रहे हैं साथ में, ऐसा बात नहीं है। देख लो, तापमापी होता है, तापमान मापता है, यानी ये क्या करेगा तो टेम्परेचर का मेजर करता है। अब देखो अगला हमारा है वायु दाब मापी। स्टूडेंट अभी तो स्क्रीन मतलब ये कैमरा नहीं चालू किया हूँ, वरना दिखा देता, मैं खुद भी लिख रहा हूँ। इसमें देखो वायु दाब मापी में क्या होता है, तो मेजर एयर, जिसमें कि वायु दाब मापा जाता है। अब देखो अगला है वर्षा मापी। अब नाम से ही तो इसका पता चल जाता है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, मेजर करते हैं किस चीज़ का, रेन का, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्षा की मात्रा मापता है। अब एक आता है हमारा वात दिग्दर्शी। देख लो ये थोड़ा अटपटा है, बाकी तो सब मिल रहे थे। अब ये क्या करता है, तो पवन की दिशा को नापता है, दर्शाता है कि पवन किस साइड में चल रहा है या फिर ब्लोइंग हो रहा है, उसको ये दर्शाता है। ओके स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं।
तापमान, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। मौजूद वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आर्द्रपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आर्द्रपन कहलाती है। यहाँ पे देख लो, नोट कर लेना, आपतन क्या है। आपतन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, इसलिए तापमान उस प्रकार घटता जाता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? हाँ स्टूडेंट समझ गए हैं, आपतन के कारण, क्योंकि अभी तो बताया कि उधर घटने पे कम हो जाता है। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गाँव की अपेक्षा नगरों के तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में ऐसा फेल्ट से बने सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह उष्मा मुक्त हो जाती हैं। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं, मैं देख लो स्टूडेंट, तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एडर्स सेल्सियस ने किया था। देख लो यहीं पे अभी दो पॉइंट मिला, तापमान को मापने वाला कौन सा यंत्र है और इसका आविष्कार कौन किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जितना दिया है सबको नोट कर लो। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्या आप जानते हैं, दोबारा देखो, क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है? हाँ सभी को पता होगा, अतएव वहाँ वायुदाब भी नहीं होगी। हाँ जहाँ पे वायु ही नहीं है तो वायुदाब कहाँ से आएगा? अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त सिराएं फट सकती हैं। अब देख लो, रक्त सिराएं क्या है? तो नस को बोला जाता है। वो नस फट जाएंगी जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ वायुदाब में। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर सकते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। नोट कर लो। अब नोट क्या करोगे, तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होती है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, जिसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। यहाँ भी स्टूडेंट एक पॉइंट लिखने लायक बात है कि वायु क्या करता है, सदैव उच्च प्रेशर से निम्न प्रेशर। अब देख लो, निम्न का मतलब समझ रहे हो, निम्न का मतलब नीचे के दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। अब देखो एक और चीज़ है, गमन करती है, गमन का मतलब क्या होता है, तो चलती है। आसाओ आगे पढ़ते हैं। अभी भी देख लो, बेर 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 इसमें पॉइंट बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये NCERT है। और आपको बता दूं, जब आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, किसी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो लड़के लोग ज़्यादा रेफरेंस बुक ले लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, रेफरेंस बुक अगर लेते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले NCERT अपनी बेस मजबूत करो, उसके बाद बोले ना, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसको कि हम लोग क्रैक ना कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। अब देख लो, पवन किसको कहा जाता है, तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना। आप पवन को काम करते देख सकते हैं,
जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाते अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देते हैं। कभी कभी जब पवन धीरे 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 बहती हैं तो आप इसे महीन धूल या फिर धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। अब देख लीजिए, यदि हवा चलता है तो कहाँ छाता लेकर कोई जाता है। तीन अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। स्टूडेंट, दूसरा और चीज थोड़ा ये स्क्रीन के कारण मुझे तकलीफ होती है पढ़ाने में, आँखों पर जोर पड़ता है, इसलिए बाई चांस कभी कभी गलत पढ़ा जाता है क्योंकि सर में दर्द वगैरह हो जाता है और आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर भी नहीं करते हैं। क्या आप जानते हैं पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिम या फिर पछुआ पवन कहते हैं, ये सब लोग जानता है। उत्तर से आने वाली को उत्तरी हवा। अब देख लो यहाँ पे स्टूडेंट, हमें कहा हुआ था कि पवन को मुख्यतः तीन प्रकारों में डिवाइड कर सकते हैं। अब देख लो कौन कौन से हैं। तो पहला तो है अस्थायी पवन है, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्थानीय पवन, और दूसरा है मौसमी पवन है, और तीसरा हमारा है स्थानीय पवन। अस्थायी और स्थानीय में अंतर है स्टूडेंट, आगे आते हैं पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है अंतर क्या है, ताकि हम लोग अभी तो बोले हैं क्लियर करते चलेंगे एक एक पॉइंट को, ताकि हमारा कोई भी एग्जाम छूटे ना, क्योंकि मम्मी पापा तो आस लगा कर बैठे हैं लड़का मेरा आएगा वर्दी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्थायी पवन है व्यापारिक पश्चिम एवं पूर्वी पवने अस्थायी पवने हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। पहला हो गया। दूसरा हमारा आता है मौसमी पवने। ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है, उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने। तीसरा हमारा है स्थानीय पवने। ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं, उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समय। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र के गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, इसे लू कहते हैं। आओ चित्र देख लेते हैं। 4.4 में प्रमुख वायुदाब पेटियां। उच्च दाब में है ध्रुवीय पूर्वी पवन, अधोध्रुवीय निम्न दाब सनातन पछुआ पवन, उपोष्ण उच्च दाब या फिर हार्श अक्षांश में है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, मकर रेखा में, कर्क रेखा में क्या है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, जिसको कि हम लोग भूमध्य रेखीय निम्न दाब डोल्ड्रम का नाम से भी जानते हैं। उससे ऊपर है उपोष्ण उच्च दाब हर्ष अक्षांश या फिर हर्ष अक्षांश सनातन पछुआ पवन, अधोध्रुवीय निम्न दाब ध्रुवीय पूर्वी पवन उच्च दाब। देख लो डिग्री कोई याद करने का जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ देता हूँ मैं। 90 डिग्री ऊपर भी है, 90 डिग्री नीचे भी है, 60 डिग्री उत्तर है, 35 डिग्री उत्तर है, 30 डिग्री उत्तर है, 23.5 डिग्री उत्तर है, 23.5 डिग्री दक्षिण है, 30 डिग्री दक्षिण है, 35 डिग्री दक्षिण है और 60 डिग्री दक्षिण है। चक्रवात या फिर प्राकृतिक आवेश। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात का खतरा बना रहता है। 17 से 18 अक्टूबर 1919 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। ये देख लो स्टूडेंट, एक कह सकते हैं न्यूज़पेपर की कतरने हैं, इसीलिए इतना फास्ट पढ़ा हूँ, नहीं तो स्लो पढ़ता। इसमें कुछ भी पॉइंट नहीं है, पॉइंट आएगा तो मैं बता दूंगा। 29 अक्टूबर 1919 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रत्युकर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटा तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग इस पवन ने पेड़ को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गईं। विद्युत आपूर्ति और टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गईं। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा के प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगे आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गए। देख लो चक्रवात का द्वारा विनाश चित्र में दिया है।
25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुई और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गान ओके जिसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 या फिर 10:30 पर ओडिशा के इरेसामा एवं बालीकुंडा के बीच के क्षेत्र को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूर्वी तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रतोकर से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस के बगान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कुणार के बीच स्थित मैग्रोव के जंगल लुप्त हो गए। स्टूडेंट आ जाओ यहाँ पे एक चित्र को देख लेते हैं। चित्र 4.5 में वर्षा के प्रकार सामवनी वर्षा, गर्म वायु, पर्वतीय वर्षा, आर्द्र वायु, चक्रवाती वर्षा, ठंडी वायु और गर्म वायु। आर्द्रता देख लो। जब जल पृथ्वी में विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। दोनों पॉइंट को नोट कर लो। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है तो इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सुखाने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीने आसानी से नहीं सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल के बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पदचिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकलनी नमी संघनित हो जाती है। वायु के गति न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। जल पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। नोट कर लो। पृथ्वी पर जल के रूप में, किसके रूप में, तो जल के रूप में गिरने वाला वर्षण, वर्षण का मतलब क्या हुआ, बूंद, वर्षा कहलाता है। ठीक है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्रभावित होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी फसल से पेड़ काटे जाते हैं वर्षा जल अनावृत्ति पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आकार आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। देख लो यहाँ पे हमारे वर्षा के प्रकार, तो सबसे पहला हमारा शायद होता है सामवनी वर्षा, दूसरा हमारा होता है पर्वतीय वर्षा और तीसरा हमारा होता है चक्रवाती वर्षा, जिसको हम लोग साइक्लोन के नाम से भी चक्रवात को जानते हैं। पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। देख लो स्टूडेंट यहाँ पे है, यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है और इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाता है। क्या आप जानते हैं, मैं देख लो, वर्षण के दूसरे रूप सहिम वृष्टि तथा ओला है। यहाँ पे देख लो कह रहा है कि जो वर्षा का दूसरा रूप है वो क्या क्या है, इसको भी नोट कर लेना स्टूडेंट। यहीं पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। अगर तुम तो अकेले एक ही सब्सक्राइब कर सकते हो ना, लेकिन अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराओ और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन उन लोगों को टाइम पर मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू माई फ्रेंड।